गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो वैलेंटाइंस डे के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसको। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सब शुरू करने से पहले गाइस, मैंने क्या किया है, मेरे फेस को थोड़ा सा प्रेप किया है। तो प्रेप इसलिए किया है क्योंकि मेकअप को अगर फ्लॉलेस बनानी है, तो मेकअप को अगर केकी नहीं बनानी है, एकदम नो मेकअप लुक टाइप का चाहिए, तो उसके लिए स्किन को प्रेप करना बहुत ज़रूरी है। तो बात अगर हो वैलेंटाइंस डे की या स्पेशल कोई ओकेशन की, तो इंस्टेंट ग्लो के लिए हमें थोड़ा सा तो मेहनत करनी होगी। तो मैंने यहाँ पर एक फेस मास्क को अप्लाई किया है ताकि मुझे इंस्टेंट ग्लो मिल जाए। तो वो क्या है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ उसको। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन में लिंक है। इस वीडियो के बाद उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए। तो फेस को वो प्राइम करने के बाद मैंने थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया था अपने फेस में। तो अभी मेरे फेस में मॉइस्चराइज़र के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अब मैं यूज़ करूँगी फेस सीरम का। तो ये है गुड वाइब्स का फेस सीरम। बस दो ड्रॉप्स अप्लाई करूँगी मैं इस फेस सीरम को। अगर आप मेरे वीडियोज़ को पहले भी देखे हैं तो आपने देखा होगा कि हर वीडियो में मैं इस विंटर में स्पेशली इस सीरम का ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत अच्छा लगता है मुझको ये सीरम, बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझको ये सीरम। आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करता है और एकदम स्मूथ बना देता है। तो विंटर अभी भी तो गया नहीं है, तो अगर हम स्किन को प्रेप नहीं करेंगे, मॉइस्चराइज ठीक से नहीं करेंगे, तो आगे जाके हमारा फाउंडेशन एकदम केकी लगने लगता है। तो ज़रूरी है कि मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें। मैं फाउंडेशन यूज़ आज नहीं करूँगी क्योंकि ये डे टाइम लुक है और नेचुरल सा लुक चाहिए मुझे, इसलिए मैं आज यहाँ पर कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं सीसी क्रीम को लगा रही हूँ, अपने फिंगर्स के हेल्प से ही लगा रही हूँ। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी लगा सकते हो, मुझे भी अच्छा लगता है ज़्यादा ब्यूटी ब्लेंडर से, पर आज मैंने सोचा कि हैंड से ही कर लेते हैं। तो देखिए, आप अच्छी तरीके से ये ब्लेंड भी हो रहा है, अच्छे से एकदम सॉफ्ट से ब्लेंड हो रहा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो रहा है। और इसका रीज़न जानते हो क्या है? अगर आप अपने फेस को अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे ना, तो कोई भी सीसी क्रीम हो या फिर फाउंडेशन हो, आप बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड भी कर सकते हो। मतलब एकदम सुंदर से ब्लेंड हो जाए, एकदम बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है अगर आप अपने फेस को अच्छी तरीके से प्रेप कर लेते हो और अच्छी तरीके से और अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेते हो। तो यह वेट एंड वाइल्ड का कंटोरिंग पैलेट, यहाँ पर आपको बनाना पाउडर मिल जाएगा और यहाँ पर कंटोर का शेड भी मिलेगा ब्रॉन्जिंग का। तो मैं ये बनाना पाउडर थोड़ा सा लूँगी अपने ब्रश के हेल्प से। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा ही सेट करूँगी। विंटर है तो ज़्यादा सेट करने की ज़रूरत तो होगा नहीं, पर मैं थोड़ा सा सेट करूँगी इसको। अब मैं कंसीलर को यूज़ करूँगी, ये है कलर एसेंस का कंसीलर। इसको लगाऊंगी अपने लिड में तो क्या होगा, हमारे आई शेडो के लिए ना बेस अच्छे से रेडी हो जाएगा। एक तो डिकलरेशन भी गायब हो जाएगा, उसके साथ साथ हमारा जो आई शेडो हम लगाएंगे उसका जो बेस है वो भी रेडी हो जाएगा। अब इसको भी मैं सेट करूंगी वही बनाना पाउडर से ताकि ये क्रीज ना हो। तो सिंपल सा आईज़ ही रखूँगी, यही प्लान है। तो एज मेरा आउटफिट पिंक में है, तो मैं एक वैसा ही कुछ करने वाली हूँ आज पिंक के साथ ही। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, सिंपल से रखूँगी। तो फर्स्ट मैं लूँगी एक ट्रांजिशन शेड जो कि होगा ये शेड। ये वेट एंड वाइल्ड का ही पैलेट है, रोज़ इन द एयर। अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये पैलेट बहुत सही है क्योंकि इससे आप बहुत डिसेंट वाला बहुत सारा लुक आप क्रिएट कर सकते हो। तो मुझे भी ये पैलेट बहुत अच्छा लगता है, एकदम कॉम्पैक्ट सा पैलेट है। कोई अगर आप डेली यूज़ के लिए यूज़ करते हो वो भी अच्छा है, अगर आप डिसेंट कुछ भी करना चाहते हो वो भी अच्छा है, बहुत सारी लुक्स आप अचीव कर सकते हो इससे। तो मैं ये ट्रांजिशन शेड को लूँगी। हुडेड आइज़ है जो कि आप देख पा रहे हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर में लगाती हूँ ताकि एक इफ़ेक्ट सा क्रिएट हो जिससे मेरा लिड एरिया में ज़्यादा स्पेस दिखाई दे। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से लगाना है और ब्लेंड करना है, थोड़ा थोड़ा एजेस को थोड़ा थोड़ा ब्लेंड करते जाना है ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। बहुत सिंपल से रखूँगी ताकि हर कोई कर पाए, एकदम सिंपल से रखूँगी और डे टाइम है इसको ध्यान में रखते हुए ही करूँगी।
तो ये मैंने क्रीज में लगा लिया है। ओके, तो मैंने ट्रांजिशन कलर को लगा लिया अपने क्रीज में। अब मैं क्या करूँगी, इसी को थोड़ा सा नीचे में मैं स्प्रेड करूँगी। मैं और कोई कलर नहीं ले रही हूँ, वही ब्लेंडिंग ब्रश है। इसको थोड़ा सा मैं डिफ्यूज करके अपने लिड में थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा बस। इसको एजेस को मैं ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा डिफ्यूज करती जाऊंगी। मैंने एक्स्ट्रा कोई कलर नहीं लिया है, कुछ भी नहीं है, बस इसको मैं डिफ्यूज करूंगी और थोड़ा थोड़ा बस इसको डिफ्यूज करते हुए मैं ऑल ओवर लिड में एक बार ब्रश को चला लूंगी। मुझे स्ट्रॉन्ग सा काजल का इफेक्ट नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ब्रश में ले लिया इसको। इसको एकदम लैश लाइन के पास में लेके मैं इसको जस्ट लगाऊंगी और स्मज सा थोड़ा सा इफेक्ट आएगा। तो नेक्स्ट मैं जो शेड लेने वाली हूँ वो है ये पिंक शेड, यहाँ पर है। इस पिंक शेड को मैं लूँगी, एक फ्लैट ब्रश में लूँगी मैं इसको। इसको मैं प्लेस कर रही हूँ लाइनर के ऊपर, थोड़ा सा इसको विंग वे में इसको मैं निकालूंगी। मैं यहाँ पर विंग को थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा रखा है, आप थोड़ा सा चाहे तो कम भी रख सकते हो, इट टोटली अप टू यू है। अब फ्लैट ब्रश या फिर एंगल्ड ब्रश ले सकते हो। ओके, तो विंग चाहे दोनों कंप्लीट है। अब मैं क्या करूँगी, एक क्लीन ब्रश लूँगी, तो क्लीन करूँगी मैं थोड़ा सा इसको लेके। आई शेडो अगर फॉल आउट हो तो वो निकल जाएगा इससे। नेक्स्ट मैं कंसीलर को यूज़ करूँगी अपने अंडर आई एरिया में। मैं ऑलवेज ऊपर के आईलिड के आई शेडो को ख़त्म करने के बाद ही अंडर आई में कंसीलर को यूज़ करती हूँ, ताकि जो भी फॉल आउट हो उसको मैं क्लीन करके उसके बाद ही अप्लाई कर पाऊँ। अब मैं क्या करूँगी, वही बनाना पाउडर से अपने अंडर आई को करूँगी सेट, कंसीलर को मैं सेट कर लूँगी। मैं क्या करूँगी, वही ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से वही ट्रांजिशन शेड को मैं थोड़ा सा लूँगी और अपने वाटर लाइन में लगाऊँगी। वाटर लाइन के जस्ट ये बाहरी का हिस्से में थोड़ा सा लगाऊंगी, थोड़ा सा। पूरा ड्रैग नहीं कर रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर के हिस्से में मैं लगाऊंगी। देन मैं वही पिंक शेड को लूंगी अपने फ्लैट ब्रश में और इसको मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। इसको मैं ऑल ओवर लोअर लैश लाइन में हल्का हल्का करके लगा लूंगी। अब बारी है मस्कारा की, तो मैं यहाँ पर वेट एंड वाइल्ड का वॉल्यूम डबल एक्सल मस्कारा लगा रही हूँ। टू कोर्स लगाऊंगी अपने ऊपर के लैशेस में और नीचे के लैशेस में। अगर आप चाहते हो कि फॉल्सेस लगाना तो आप लगा सकते हो डेफिनेटली, पर मैं आज यहाँ पर कोई भी फॉल्सेस नहीं लगाऊंगी। तो ब्राउज के लिए मैं कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करूँगी, मैं वही पैलेट का ही एक शेड लूँगी। यहाँ की जो ब्राउन कलर का जो शेड है ये वाला शेड ही लूँगी। अगर आप बिगिनर हो और आपके पास कोई अलग सा नहीं हो ब्राउ किट, तो आप ऐसे ही क्या कर सकते हो, अपने ब्राउ को डिफाइन कर सकते हो, अपने जो आई शेडो पैलेट है वही से ही एक कलर को चूज़ करके आप कर सकते हो। पर हाँ, ये ध्यान रखना कि वो आई शेडो का कलर, मतलब आप जो चूज़ करो ना वो कलर आपके जो आईब्रोज है उससे मैच हो जाए। क्या करूँगी, कंसीलर लूँगी और एक फ्लैट ब्रश लूँगी। इसको मैं अपने ब्रश में लेकर अपना जो आईब्रो का जो एज है ना उसको मैं थोड़ा सा क्लीन अप करूँगी, ताकि आईब्रो ज़्यादा अच्छा डिफाइन लगे। We'll be right back.
ओके तो आई मेकअप हो गया है कंप्लीट। यहाँ पर अब चलते फेस के तरफ। तो फेस के लिए मैं करूँगी फर्स्ट ब्रॉन्जिंग। तो मैंने लिया है वही वेट एंड वाइल्ड का पैलेट ड्यूज दी लाचे, ये शेड है। तो यहाँ पर मैंने ये कलर लेना है। तो इसको अब हॉलोज ऑफ माई चीक्स में लगाना है। बहुत ही बिल्डेबल कलर है, धीरे धीरे करके अपवर्ड डायरेक्शन में इसको ब्लेंड करते जाइए। अगर आप बिगिनर हो तो धीरे धीरे करके आप डेवलप कीजिए कलर को, बहुत ज़्यादा बिल्डेबल कलर है। मैं थोड़ा सा नोज में भी इसको लगाऊंगी, थोड़ा सा। ओके तो नेक्स्ट है ब्लश की बारी। तो मैं यहाँ पर लूंगी ये ब्लश, ये थोड़ा सा पिंक शेड का ब्लश है। ये कोरल तो नहीं है बस, पर थोड़ा सा कोरल और पिंक का मिक्सचर कुछ है। ये लोटस का है, ये लोटस का है ये। इसके साथ हाइलाइटर भी है, तो मैं आज इसको यूज़ करूँगी। इसका शेड है एक्जोटिक क्रश, वो शेड नंबर है 1। तो मैं थोड़ा सा लूँगी इसको अपने ब्रश से, और उसके बाद थोड़ा सा टैप करके इसको जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको ऑलवेज निकाल देना चाहिए। अब मैं अप्लाई करूँगी अपने एप्पल ऑफ द चीक में। बहुत प्रिटी सा कलर है, बिल्डेबल ये भी है, एकदम नेचुरल सा लग रहा है अप्लाई करने के बाद। अगर आप यूज़ करते हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगता है। थोड़ा सा जितना भी है नोज के ऊपर, थोड़ा सा और थोड़ा सा चाहिए। ओके तो नेक्स्ट हाइलाइटर। तो यहीं पर मैं ये गोल्डन वाला हाइलाइटर है इसको मैं यूज़ करूँगी आज एक ब्रश के हेल्प से। ज़्यादा नहीं लगाऊँगी, ओवर नहीं करूँगी, क्योंकि डे टाइम है तो ओवर ज़्यादा हाइलाइटर अच्छा नहीं लगेगा। हल्का सा लगाऊँगी रीच ऑफ माई नोज में, हल्का सा लगाऊंगी। देखिए कितना अच्छा वाला लुक आ रहा है। थोड़ा सा हल्का सा लगाऊंगी अपने रीच ऑफ माई नोज में, थोड़ा सा यहाँ। ताकि थोड़ा सा सटल वाला नेचुरल वाला लुक लगे। टिप ऑफ माई नोज में भी लगाऊंगी थोड़ा, जितना भी लेफ्ट ओवर होता है, और थोड़ा सा क्यूपिड बो में। मैं थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स में लगाऊंगी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस, ताकि आईज थोड़ा सा ब्राइट दिखे। और इसको ही लगाऊंगी मैं यहाँ पर ब्राउ बोन में, थोड़ा सा लगाऊंगी। तो फेस हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर अब बारी है लिपस्टिक की। तो आज मैं यहाँ पर स्टेक वर्की का लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ। ये मॉव वाला कलर है और इसका शेड मैं बता देती हूँ, बेबी पुल मी क्लोजर इसका शेड है ये। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज्वेलरी ऐड कर लिया है। मैंने यहाँ पर गले में हार ऐड किया है और थोड़ा सा बिग रिंग ऐड किया है। और ये ऐड करने के बाद हमारा लुक यहीं पर कंप्लीट होता है। तो कमेंट करके मुझको बताना ज़रूर कि कैसा लगा है आपको ये वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत कीमती है। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, बाय।